बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने किया ओबरी में विशाल सभा को संबोधित। इस अवसर पर श्री मालवीय जी एवं स्टार प्रचारक श्री कनकमल जी कटरा सांसद महोदय ने हेलीकॉप्टर से ओबरी विद्यालय ग्राउंड में पधारे। इस अवसर पर आसपास के गांव से विशाल जनसमूह रहा उपस्थित। इस मौके पर अनेक गणमान्य ने मंच एवं सभा को संबोधित किया। सभी ने एक सुर में श्री मालवीय जी को अधिक से अधिक मतों से जिताने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मालवीय जी ने भारत आदिवासी पार्टी तथा कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा कि हमारे आदिवासी युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। इस अवसर पर क्या कहा श्री महेंद्र जी मालवीय ने, देखें आप हमारी पूरे वीडियो के माध्यम से, तथा खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। सब नहीं बोल रहे भाई, भगवान का नारा तो बोलो एक बार फिर। जय सिया वाला रामचंद्र भगवान। बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद और मेरे बड़े भाई कटारा जी, बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष जी लाभचंद जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी हरीश भाई, सागर के लोकप्रिय विधायक शंकर भाई, जिला प्रमुख जी, प्रधान जी, हमारे इंचार्ज टाकवाड़ा के गजन सिंह जी, अनिता जी, और भी मंच के ऊपर पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारी बहनें, विस्तारक साथियों, संचालन करने वाले हमारे साथी, और बड़ी संख्या में आए गांव गांव से, धानी धानी से किसान भाइयों, माताओं बहनों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, आज की हमारी दूसरी बैठक है। तीसरी बैठक मेरे विधानसभा क्षेत्र में गांगड़तवाई है, चौथी बैठक तलवाड़ा में है और एक बैठक और है। अभी तीन बैठक और बाकी है। समय बहुत कम रह गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी 21 तारीख को बांसवाड़ा आ रहे हैं। हमने देखा कि एक बार जनता जनार्दन से मिले, रामाश्रमी करें और वोट मांगे, और ये गाड़ी से संभव था नहीं, इसलिए हमने कहा हेलीकॉप्टर से चलो, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वातावरण बनाते हैं। अब की बार 400 पार का नारा लगाया है, वो 400 पार करने के लिए एक लक्ष्य के साथ में काम करते हैं। इसी भावना के साथ आज हम आपके बीच में हैं। 98 के अंदर में बांसवाड़ा डूंगरपुर का एमपी था, लेकिन कांग्रेस पार्टी से था। अभी भी कुछ समय पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया, और 13 दिन में मुझे एमपी का टिकट मिला, और टिकट मिलने के बाद आदरण मेरे भाई कनकमल जी कटारा वर्तमान में सांसद है। मैं उनके साथ घूम रहा हूं, मैं छोटा हूं, वो बड़े हैं, और मैंने कहा कि आप आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा कि मेरी दो दो हाथ से आशीर्वाद है, इस क्षेत्र का भी आशीर्वाद है। हमारे सबका लक्ष्य है कि मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए, देश को शक्तिशाली बनाए, दुनिया में देश की ताकत को बढ़ाए। निश्चित रूप से एक वातावरण पूरे मुल्क में और पूरे देश में बना है, वो मोदी साहब के पक्ष में बना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है, और हमारे विपक्ष की पार्टियां सब एक हो रही हैं, और एक होकर नरेंद्र भाई मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने जोना डोकरा कह दिया, हाफ ने नोली एक फैलावों के एक कंडिया में नहीं रही। निश्चित रूप की नोली है, जहरीला सांप ने मारी जाते हैं। अब ये हाफ ने नोली है थी रही है, और नरेंद्र मोदी साहब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से 10 साल में जो काम किया है मोदी साहब ने, वो ऐतिहासिक काम है। आने वाले कई सालों तक इतिहास में मोदी साहब को याद रखा जाएगा। कितने सालों से भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा था, एक झटके में भगवान राम का मंदिर बनाकर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके पूरी दुनिया को दिखा दिया
कि नरेंद्र मोदी कोई ताकतवर आदमी है, नरेंद्र मोदी कोई अलग व्यक्तित्व है, ऐसा कोई काम कर सकता है तो भाई नरेंद्र जी मोदी कर सकते हैं। साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं अकेला भाजपा में नहीं आया हूं, मेरे साथ में 6 प्रधान आए हैं, 1 जिला प्रमुख भी आए हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी आए हैं और नगर परिषद के सभापति भी आए हैं। और अभी तो दिन 8-10 दिन बाकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 24-25 तारीख तक आते आते कांग्रेस के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, स्थिति पैदा होने वाला। अब तो यहां पर बाप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समझौता अभी आधा अधूरा है। कांग्रेस के साथी को टिकट दिया और टिकट देके कहा कि फार्म को वापस कीजो, उसने मना कर दिया कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ूंगा, और उसने फार्म नहीं खींचे और अभी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अरविंद भाई डामोर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के आदेश से ऊपर लोग कहते हैं कि हम बाप पार्टी से समझौता नहीं करेंगे और बाप भी कहता है कि हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। आज स्थिति क्या हो गई है आप समझ सकते हो। ये कांग्रेस तो भीखा भाई की कांग्रेस, ये कांग्रेस तो हरदेव जी जोशी की कांग्रेस, ये कांग्रेस तो गोविंदलाल जी पंड्या, मानक लाल जी पंड्या, गौरी शंकर जी उपाध्याय की कांग्रेस। उस कांग्रेस आज तार तार हो गई, जैसे पुराने क्षेत्र से किया तार तार, ऐसे तार तार हो गई। और मुझे आप सबको जानकारी दे रहा हूं, आज कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जिला कांग्रेस कमेटी बांसपुरा में बैठक कर रहा है और बैठक करके दोनों पार्टियों को एक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बैठक के अंदर कोई एमएलए नहीं जा रहा है, ये चक्कर पड़ गया। और यहाँ पर डूंगरपुर में 84 क्षेत्र से विधायक राजकुमार जी रोज एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन में 84 गया था। मैंने काका से पूछा, काका जी यहाँ पर वायदा हुआ था 8वीं पास को नौकरी मिलेगा, 5वीं पास को नौकरी मिलेगा, क्या हुआ? जब मैंने इनके महेंद्र मालविया अर्धनी नौकरी जब मिलेगी अहमदाबाद, अर्धनी नौकरी मिलेगी बड़ौदा, अर्धनी मिलेगी सूरत, थोड़ा घना रही किए जैसे हाथे हाथी फरी मिल जवानी। आज ये स्थिति पैदा हो गई है, पता नहीं स्वागत को क्या हुआ है, स्वागत आखिर में क्या चाहता है। मैं दोनों जिलों की बात करता हूँ, आज बांसवाड़ा में मक्की पकी रहे होंगे, वेला है यूक्राइन में जाइए, हैंडपंप में पानी है जहां लाओ तो मकली जो है, डूंगरपुर में अभी जो तो सोमासन मक्की हल्की हल्की पाकी थी, ये मक्की भी ठीक ढंग से की नहीं पाकी है। हैंडपंप में पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है, वेला में पानी नहीं है। पहले तो मैं रोटी से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तक अशोक गहलोत साहब के बगल में बैठ के खूब मार खाया तो कम से कम 84 में पानी ले जाने की बात तो करते हैं। अब इक थैयो ने लोकसभा का चुनाव और आपसे नकली बढ़िया हो धीरे मेरा वहां पर लड़कों को दागा कर रहे हैं। 84 में हमने नौकरियां दे दी, बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी हम नौकरियां देना चाहते हैं। अरे भाई कहां से नौकरियां दे कोई बताओ। मुझे पत्रकार पूछते हैं कि मालवीय जी आपके और बाप पार्टी के बीच में टक्कर है। मैंने कहा कोई टक्कर नहीं है, तो बात पे खाली चक्कर है। अगर महेंद्र मालवीय जीत के जाता है तो मोदी साहब के पास भी जाके बैठता है, महेंद्र मालवीय जीत के जाता है तो आले ने कटारे जी को साथ में लेकर रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर की रेल को मंजूर कराता है, महेंद्र मालवीय जीत के जाता है तो रोज जी ने तो इस गांव को इस क्षेत्र को पानी नहीं दिया, लेकिन हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार के बनने के बाद इस 84 क्षेत्र में हम पेयजल की पानी का प्रबंध कर सकते हैं। और रोज अगर जीत के जाते हैं तो वहां दिल्ली में खार बांटने के अंदर बजिया मुंबर खाई सके, नदी बाजार का फरी नहीं सके। समझने की बात है, राज और पार्टी बहुत बड़ी ताकत होती है। आज अगर मैं कुछ कह रहा हूं या माननीय कनकमल जी कुछ कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको पता है कि हमारा आका, हमारा देश का मालिक प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, कोई मांग लेके जाएंगे इस क्षेत्र की, निश्चित रूप से हम हमारे भागड़ क्षेत्र के ऊपर दया भाव रखेंगे और इस मांग को पूरा करेंगे। इसलिए आज हम बोल रहे हैं। क्या बाप वाली पार्टी बोल सकती है?
क्या वो कुछ कर सकते हैं? हाँ, झूठ बोल सकते हैं, जड़-जड़ बोल सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं। मैं भाइयों निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा के अंदर मामा बालेश्वर करके एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आए थे। आपने कहा जल्दी रोकना, जो जरूरत लेकिन पानी पड़े इनकी, तो मामा बालेश्वर भी जल्दी था। वो आकाश में देख के कहता था कि पास सेट को पानी आवे, तो मंजन इन कहता पानी मुंह पड़ी गया, वो कहता मंजन के पानी मुंह पड़ी गया। तो मंजन कहता कि मामा जी नाराज थी गया तो पानी नहीं पड़े तो वोट का हलवा पड़े। ये कहता वोट बगड़ियो तो वर बगड़ियो, वोट बगड़िया तो चुनाव बगड़िया, सब जनता ने वोट डालती। ये इतना मोटो आदमी है, वगैरह दादा ने टकी सी गया। राजकुमार ने खासकुमार ने कहा पता लगे भाई प्रजातंत्र बहुत मुश्किल काम है, जनता कुछ टाइम के लिए भ्रमित हो सकती है लेकिन लंबे समय के लिए उनके साथ में नहीं रहेंगे और उस इलाके का विकास नहीं कर पाएंगे। और इससे निवेदन करता हूं कि सातपाड़ा विधानसभा की जनता ने शंकरलाल जी देचा को भारी बहुमत दे के बनाया। आज शंकरलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के पास में जाके बैठे हैं और राजकुमार जी एमएलए तो बन गए लेकिन बांसवाड़ा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा था राजकुमार जी अभी 4 महीने हो गए अपने क्षेत्र के विकास के लिए मेरे पास एक दिन आके उन्होंने नहीं बैठे, जब मुख्यमंत्री के पास जाना ही नहीं चाहते, आप विकास करना नहीं चाहते तो उस जनता का क्या होगा। आने वाले समय में सागवाड़ा का जो रुका हुआ विकास है आप और हम सब मिलकर करेंगे, कोई चीज की कमी नहीं रहने देंगे, ये बात भी इस अवसर पर कह सकता हूं। विशेष करके मेरे आदिवासी भाई से निवेदन करता हूं, एमके का हमारा आदिवासी ने सरकार बना हुई है, आदिवासी ने हमारे अलग राज चुके हैं। कन्नबल जी हूं आए कटारा है ना, कन्नबल जी कटारा है ना, और शंकरलाल जी देशा आदिवासी है ना, और आपका उम्मीदवार महेंद्र बजवा आदिवासी है ना, ये अनिता जी बैठे हो आदिवासी है ना, और यहाँ पे कोई सरपंच प्रमुख भी बैठे हैं तो आदिवासी है। तो राज तो आदिवासी का है, पंच बने तो आदिवासी, सरपंच बने तो आदिवासी, प्रमुख बने तो आदिवासी, एमपी बने तो आदिवासी, और सरकार में मुख्यमंत्री बने किसी के तकदीर में तो भी आदिवासी बन सकता, किसी ने रोका नहीं। फिर मैं पूछना चाहता हूं उनको, फिर कौन सा राज आप इस वागड़ में लाना चाहते हो? सब झूठी बातें हैं भाई, सब झूठी बातें हैं। कहते हैं अनुसूची 5 लागू कराएंगे, अनुसूची 5 में यही तो है कि चुनाव कोई लड़ेगा तो आदिवासी लड़ेगा। अनुसूची 5 ड्राफ्ट बना था तो कटारा जिस उस ड्राफ्ट के अंदर थे महिलाएं चुनाव लड़े, हमारी जमीन कोई खरीद नहीं सकता, नौकरियों में 45% आरक्षण की व्यवस्था, 50% में ओपन सब के लिए, यही तो है अनुसूची 5 में, और क्या है। कनक मंदिर में परसों शाम को 300 आदिवासी बच्चे एक जगह बैठे हुए थे, मेरे को बुलाया मैं भी गया, जाते ही मैंने पूछा कि बच्चों बताओ भाई तुमको क्या तकलीफ है, अरे साहब लो आरक्षण, फिर मैंने अनसुनी कर दी जान बुझ के, लगे बच्चे बताओ तो सही तुमको तकलीफ क्या, तो आरक्षण। फिर किसी ने खड़े होकर कहा अनुसूची 5 लागू कर दी, तो मैंने कहा दोनों बातें मुझे पूरी पढ़ के सुनाओ कि अनुसूची 5 क्या है और आरक्षण क्या है, एक भी नहीं बोला। फिर मैंने पूछा कि बोलो तो सही आपको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? देखिए साहब आमंत्र लाखों हवाड़ी की वजह देश को अधिकारी आरक्षण चुके अनुसूची 5 लागू करो, बाकी केवा हुई थे बता रहा हूं ना सर, ई नहीं बताओ मैंने हमारा आरक्षण चुके अनुसूची 5 ही लागू था, फिर मुझे कहना पड़ा सभी आरक्षण आदिवासी के लिए आरक्षित है यहाँ पर, ये अनुसूची 5 के अंदर 45% नौकरियां आदिवासी भाइयों को मिले, 5% नौकरियां एससी भाइयों को मिले और 50% नौकरियां हैं सब समाज के लिए अनारक्षित करते हुए ओपन कर दिया है ये अनुसूची 5। और मैंने बच्चों को एक बात और कही, मैंने देखो बच्चों एक समय था अलवर का, भरतपुर का, सवाई माधोपुर का, कोटा का जो पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूं बच्चे ग्राम सेवक पटवारी बनने के लिए वागड़ में आते थे, और हमारे बच्चे कम पढ़े लिखे बच्चे उनका कंपटीशन नहीं करते थे और हमारी नौकरियां बच्चे लेके चले जाते थे। हमने कानून बना दिया कि प्रतापगढ़ के बाद और उदयपुर के बाद
इस द्वागर अंचल में कोई बाहर का आदमी आके नौकरी नहीं कर सकता। अगर नौकरी करेगा तो हमारे यहाँ के नौकरी करेगा एक कानून बना दिया कि आज उसकी पांच में नहीं है। अब हमारे समझ में आ गई, आप क्या करोगे? कल से हम आपके साथ रहेंगे, बाप पार्टी को यहाँ से त्याग पत्र देंगे। और सही मकसद यह हुआ, कल वहां पर हेलीकॉप्टर से उनने कम से कम 500 बच्चे बाप पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं। ये बात भी अवसर के ऊपर कहते समाजों के बीच में हमारे एक शांतिपूर्ण एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था, उसको खराब किया। मेरे भागीदारा में एक दिन की रैली, दो लड़के रुके, एक पटेल का मकान बन रहा था वहां, और मोटरसाइकिल में बैठे बैठे के पटेल, इसमें रेती ठीक से डाल, इसमें सीमेंट ठीक से डाल, इस माल को ठीक से काटो। तुम अपनी रैली निकालो, मैं अपना मकान बना रहा हूँ, तुमको क्या तकलीफ है, कम डालो ज्यादा डालो। वो कहने लगे कि हमारा राज आ रहा है और ये जो मकान बन रहा है वो मेरा बन रहा है, इसलिए मुझे अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बताओ कहां जाएगा ये समाज, कहां जाएगा ये वागर का वातावरण? आप और हम सब इसको बहुत चिंतन और मदद करने की आवश्यकता है। प्रजातंत्र इसलिए नहीं आया कि एक समाज दूसरे समाज के ऊपर कटाक्ष करे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। हम 36 गांव के लोग एक जाचम के ऊपर बैठकर देश की आजादी के बाद इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और इसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूँ। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गांव जाओ से अपने परिवार से अपने घर से वार्ता करो और वार्ता करके 26 तारीख के दिन मोदी साहब के नाम के ऊपर एक एक वोट फूल के निशान के ऊपर पड़ना चाहिए। और मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि आपका दिया हुआ वोट एक कर्तव्य के रूप में मेरे सर के ऊपर रहेगा, उसको मैं धीरे धीरे करके पूरा। कल के पेपर में एक बात थी, ये लोग बाप वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आ गए तो हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे। कल पेपर के अंदर साफ बात लिखी हुई आई कि आरक्षण को हम कोई हाथ नहीं लगाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आ गए तो भारत का संविधान को बदल देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे तब देश का संविधान बना है। बाबा साहब जिंदा होकर वापस आ जाएंगे तो भी संविधान को हाथ नहीं लगाएंगे, भारत का संविधान वहीं की वहीं है। मैं आप आदिवासी भाई से पूछना चाहता हूं, आपके जो दो बातों का डाउट था, एक संविधान का और एक आरक्षण का, दोनों ही बातें प्रधानमंत्री जी ने मना कर दी, फिर अपनी जिंदगी को खराब क्यों कर रहे हो? आइए सच्चाई का साथ दो, विकास का साथ दो, प्रधानमंत्री जी का साथ दो और आगे पीछे भी सूखी धरती को हम हरी भरी कैसे करें, इस बात के लिए साथ दो। यही बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। 21 तारीख के दिन देश के प्रधानमंत्री हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बांसवाड़ा आ रहे हैं। आप बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में पधारो और पधार कर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनो और फूल के निशान के ऊपर वोट देकर देश को एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली, एक गौरवमय देश बनाओ। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।